गुरुजी आज इतना नशा छुड़ा रहे हैं समाज से, एक एक टाइम एक एक समय वो समाज हित के लिए और कार्य कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने एक कर रखा है। दोस्तों आज पहुंचे हैं हम गाजियाबाद में, यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, बहुत यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। तो एक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनसे इस प्रोग्राम के बारे में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सर आपका नाम? हरिओम इंसा। कहाँ से आए हैं आप? मैं गाजियाबाद साहिबाबाद से आया हूँ। क्या आप बताएंगे इस धार्मिक आयोजन के बारे में, जानकारी देंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो आज जो यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हैं उमड़ के, और नए जीव कम से कम बढ़ चढ़ के आए हैं, जिसमें युवा हैं, बच्चा हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, माता हैं, बहनें हैं, और हमारा नौजवान साथी हैं सभी। गुरुजी ने की प्रेरणा पे आज नए जीव को जुड़ने को बहुत बड़ा अवसर मौका मिला है, और गुरुजी ऐसे ही हमें टाइम देते रहें, और समाज से जो नशा है वेश्यावर्ती है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है, और गुरुजी हमें ऐसे ही टाइम देते रहें, मौका देते रहें, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी आपने अपने वार्तालाप में बोला कि नए जीव और पुराने जीव जी, तो आप इसके बारे में बताएं कि नए जीव और पुराने जीव से क्या मतलब? जो पुराने जीव है वो गुरु मंत्र लेके वो नशा बुराई छोड़ चुके हैं, और बाकी जो समाज में नशा है और बहुत ज़्यादा ये जो गंदी चीज गंदी तरफ जा रहे हैं, समाज के एक भले के लिए नए जीवों को जोड़ रहे हैं, आज हमें फ़ायदा है, और जो आने वाले नए जीव हैं उनको भी कल को फ़ायदा हो, ये नए जीव उनको कहते हैं जी। वो जब उनको तो यही कहा जाएगा, वो कम से कम एक बार सुने और देखें, वैसे किसी की बात पे किसी के पीछे लगने से कुछ भी कहने से कुछ नहीं होता। गुरुजी आज इतना नशा छुड़ा रहे हैं समाज से, एक एक टाइम एक एक समय वो समाज हित के लिए और कार्य कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने एक कर रखा है, और वो जागरूक कर रहे हैं कर्म योगी, और कैसे करके खाना क्या करना, समाज में कितनी किस तरह की बहुत बुरी बुराई और ये फैली हुई हैं, उनसे हमें दूर कैसे रहना, उसके लिए हमें प्रेरित करते हैं, और मानवता के लिए दिन रात एक कर रखा हमारे गुरुजी ने। इतनी भीड़ उमड़ रही है उनके पैरोल के मात्र पैरोल पे आने से, तो आपको क्या लगता है कि वो दोष आगे टिक पाएंगे? वो कभी भी नहीं टिक पाएंगे, वो बेबुनियाद है, और आप देख रहे हो केसों में रोज पे रोज दिन बदल, और एक पक्ष सुना गया दूसरा पक्ष तभी सुना नहीं गया, उसकी कोई बात ही नहीं आई है, ये छोटी अदालत है, बड़ी अदालत में जाके सारी चीज़ें बदल जाती है, और ये गलत है। और हम ये गलत काम नहीं कर सकते, तो हमारे गुरु तो हमारे संत हैं, वो कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं, ये सब बिल्कुल सरासर गलत है। गुरु जी अभी पैरोल पे आए हैं जी, तो संत जी का गुरु जी का आने से समाज और देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज और देश के लिए मानवता भलाई के गुरु जी ने इतने 132 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, दिन रात एक कर रखा है, नशा, पेड़ पौधे लगाना, पानी बचाना, और घरून हत्या नहीं करना, मानवता भलाई के इतने, और भूखे को कपड़े खाना, प्यासे को, ये गुरुजी ने हमें प्रेरणा दी है, और गुरुजी रहेंगे समाज में तो दिन रात एक करके उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के हम भी ये सेवा कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया जी। और